शिव का जो अंश है और शिव का जो अवतार है, भक्ति और शक्ति दोनों में कह सकते हैं जो मिसाल है और बेमिसाल है, ऐसे हनुमान जी। और मैं जिस रास्ते पर रहती हूँ उसे हनुमान जी के धाम तक पहुँचा जा सकता है। और बचपन से ही इस मंदिर से जुड़ी हुई हूँ, मेरी यादें जुड़ी हुई है और बहुत सारी जगहों पर इन्होंने मेरा साथ दिया है। जीवन के हर एक पड़ाव में इन्होंने मेरा साथ दिया है। और मुझे पता नहीं था कि लॉकडाउन पीरियड में मैं जब सारे मंदिर बंद थे, एक छोटे से प्रयास में लगी थी कि हनुमान जी के दर्शन करवाऊं, वो भी संभव सिर्फ इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ और आज लाइव आपके दर्शन करवा रही हूं। आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का दिन बहुत ही मंगल और पावन होने वाला है। घर के जितने भी लोग हैं उनको भी कहिए कि आ जाएं। इस वक्त आप लाइव दर्शन कर रहे हैं कैंप का हनुमान मंदिर, जो कि विश्व प्रख्यात है। और साथ ही मैं बता दूं कि इस मंदिर को 350 वर्ष हो चुके हैं, 100-200 नहीं पर 350 वर्ष हो चुके हैं ये कहा जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये बाईं ओर ये प्राचीन मूर्ति है। और एक आम दिन कहा जा सकता है कि हर दिन, ये मुझे पता चला है कि 45,000 दर्शनार्थी आते होंगे और अपनी मनोकामना प्रभु को बताते होंगे। हनुमान जी बजरंग बली की जय हो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और इनका साक्षात्कार हो रहा है। मुझे ये मैं कह सकती हूँ, मैं यहाँ पर आते ही जो मैंने मास्क पहना हुआ था, मैं बिल्कुल अपने आप को मैंने अकेला पाया और इस वजह से मैंने मास्क निकालने की हिम्मत की। इनके आगे मतलब किस वायरस का जोर है। तो हर किसी को सुरक्षित रखें प्रभु, यही हमारी इच्छा है और मनोकामना है। मैं हनुमान जी के बारे में क्या कहूँ, इनको देखते ही, इनके स्वरूप को देखते ही सबसे पहले तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इनकी कृपा जिस पर रहती है उसको पता है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहो को डरना, ये कहा जा सकता है। और हनुमान जी के बारे में एक कि अंजना माता ने जिनको जन्म दिया है और बहुत बड़ी, वो भी शिव भक्त थी और शिव जी ने कहा था कि मैं तुम्हारी कोख से जन्म लूंगा। और उसके बाद हनुमान जी हमारे समक्ष हैं। और आज भी अगर कहा जा सकता है कि एक प्रभु है जो साक्षात इस धरती पर विराजमान है तो वो है हनुमान जी। इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ, वायुपुत्र ये भी हैं और साथ ही भीम भी वायुपुत्र है। और आपने वो कहानी ज़रूर से इनकी सुनी होगी जब भीम जो है वो जंगल में जा रहे होते हैं, एक विशेष फूल की तलाश में होते हैं और उन्हें बीच में एक वानर की पूंछ दिखाई देती है और भीम कहते हैं कि ए वानर अपनी पूंछ हटा। और उसके बाद हनुमान जी को पता होता है कि इसमें बहुत ही अहम और अहंकार है, उसके अहंकार को चकनाचूर करने के लिए वो कहते हैं कि मैं नहीं हटाने वाला, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम हटा सकते हो। और जब उस पूंछ को रत्ती पर भी हटा ना पाए तो उन्हें पता चल गया कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, साक्षात हनुमान जी यानी कि बजरंग बली है। ये वो कहानियाँ, लेकिन उसी के साथ मैं कहना चाहूँगी एक विशेष कहानी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और आपने भी सुनी होगी। मैं फिर एक बार उन्हीं के सामने उन्हीं की कहानी कहने की जरूरत कर रही हूँ, तो कान को हाथ देके बताना चाहूंगी। हनुमान जी आपकी कहानी जो मुझे विशेष बहुत पसंद आती है, हनुमान जी के लिए सीता माता भी माता स्वरूप ही है। और सीता माता जब अपने कक्ष में थे और उन्होंने सिंदूर लगाया तो हनुमान जी ने बड़े निर्मल भाव से पूछा कि माता ये क्या है, तो सीता माता ने कहा कि ये मेरा प्रेम है और मेरा आदर है, सम्मान है श्री राम के प्रति, उसी का प्रतीक है। और हनुमान जी को जैसे ही पता चला तो वो अपने रोम रोम पे सिंदूर मल के आ गए और खड़े हो गए। और उसी समय राम जी ने वो देखा और वो इतने ज़्यादा भावुक हो गए, उन्होंने कहा कि आज दिन के बाद जो भी सिंदूर से तुम्हारी पूजा करेगा उसका रक्षण हमेशा होगा, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और आज दिन तक इसीलिए हम सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करते हैं। अगर आपको दर्शन हो रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया, इसके पीछे भी इन्हीं का हाथ है, क्योंकि अगर इनकी कृपा हो तो ही ये दर्शन हो सकते हैं, वरना संभव ही नहीं है। और 350 वर्ष पुराना ये मंदिर जो है ये अभी भी इतना ही नवीन और अनूठा लगता है और इसके चमत्कार हम सब ने जाने हैं। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों ने एक बार इस मंदिर की दीवारों को और मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की थी और उस समय पे बहुत सारी पीली मधुमक्खियां इसकी दीवारों पर चारों तरफ बैठ गई थी और जितने ही लोग उसे ध्वस्त करने की हिम्मत करने आए थे उन सबको उन्होंने काट लिया। और उसके बाद उन्हें लगा कि यहाँ पे कोई देवीय शक्ति है और वो सारे के सारे लोग थे पीछे हट उन्होंने कर दी थी। तो हम समझ सकते हैं कि ये कितना चमत्कारी मंदिर है। आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना कि दुनिया बनाने वाला भगवान है, दुनिया बनाने वाला भगवान है लेकिन संकट को हरने वाला सिर्फ हनुमान है। मेरे लिए तो बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय। सपने से कम नहीं है कि मैं यहाँ धर्म गुरु के
बिल्कुल करीब खड़े रह के आपसे बात कर रही हूँ। और शिव और हनुमान दोनों का ही जो आशीर्वाद मिलता है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा किसी को जीवन में किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो। आप यहाँ पर शिव जी के भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर अनुभूति है। बहुत बहुत शुक्रिया। हनुमान जी की जय हो। जय सिया राम। फिर ही रक्षा सूत्र आप